नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं डेली न्यूज अलर्ट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आपके लिए लेकर आ गया डेली न्यूज बड़ी खबर। तो जानिए दोस्तों, किसान कर्ज माफी पर बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जो कि आपकी सेवा में पेश करने जा रहे हैं दोस्तों। खबर विस्तार से देखेगा, ध्यान से देखेगा, क्योंकि आपको बताने जा रहे हैं आपका नाम कर्ज माफी लिस्ट में है तो आप कैसे कर्ज माफी लिस्ट अपने मोबाइल पर देख सकते हैं और उसे जान सकते हैं कि आपका नाम कर्ज माफी लिस्ट में है या नहीं। साथ ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जो कि सेवाएं पेश करने जा रही हैं। बता दें आपको, अगर आप यहां पहली बार विजिट करें या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमलनाथ सरकार की योजनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई बड़ी खबर अपलोड की जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई खबर से ना चुके। तो दोस्तों बता दें आपको, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की बड़ी खबर। तो विस्तार से देखिए, जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत गुलाबी फार्म के निराकरण के लिए गुरुवार को सभी बैंक शाखाओं में फिर से शिविर का आयोजन किया जाएगा। तो ये सागर से निकल कर आ रही है बड़ी खबर। शिविर में वो सभी किसान पहुंचे जो अपने गुलाबी फार्मों का निराकरण अभी तक नहीं करा पाए हैं। उन सभी किसानों से कृषि उप संचालक ने अपील की है कि वे अपनी संबंधित बैंक शाखाओं में जाकर निराकरण कराएं। तो इस तरह से जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक में जाकर आप अपना निराकरण करा सकते हैं। तो बड़ी अपडेट है दोस्तों, खबर अंत तक जरूर देखिएगा, बताने जा रहे हैं आपको अगली अपडेट है। देखिए दोस्तों, जो कि उज्जैन से निकल कर सामने आ रही है, जय किसान फसल ऋण माफी योजना में कई ऐसे प्रकरण पाए गए हैं जिनमें पात्र किसानों के ऋण स्वीकृत होना शेष रह गई है। कुछ प्रकरणों में किसानों की मौत होने के कारण ऋण माफी का लाभ नहीं मिल पाया है, वह कई प्रकरणों में किसानों के नाम में या अन्य त्रुटि होने से योजना का लाभ देने से वंचित रह गए हैं। तो किसान कर्ज माफी का दौर बड़ी ही गर्मजोशी से चल रहा है दोस्तों। बता दें आपको कि अब कलेक्टर शशांक मिश्र ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा प्रस्तुत गुलाबी फार्म 1 व 2 के निराकरण करने के लिए दल गठित किए हैं, जो कि 12 जनवरी तक प्रकरणों का निराकरण करेगा। दल का प्रभारी उपायुक्त सहकारिता ओपी गुप्ता को बनाया गया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में बुधवार को आयोजित शिविर में बैंक प्रशासक अजीत सिंह ठाकुर ने किसानों के हित में काम करते हुए उनकी समस्याओं के निराकरण के आदेश दिए। कुल 8,737 किसानों के पिंक 1 व पिंक 2 फार्मों का निराकरण कार्य जारी है, जिनमें से अब तक 4,490 प्रकरणों में किसानों के हित में कार्यवाही की गई है। शेष 4,247 प्रकरणों में कार्रवाई का निराकरण किया जा रहा है। तो दोस्तों, खबर आपके लिए वही लेकर आते हैं जो आपके काम की हो। तो खबर को लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी के पास खबर पहुँच जाए। तो बता दें कि नरसिंहपुर से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है किसान कर्ज माफी की। तो मध्य प्रदेश शासन की कल्याणकारी जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में बुधवार को करेली के पुरानी गल्ला मंडी प्रांगण में विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति के मुख्य अतिथि एवं सरोज सुरेश पंचौरी पूर्व केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में किसानों को किसान सम्मान पत्र तथा फसल ऋण माफी के वितरण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नगरपालिका करेली में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया, जिनकी लागत राशि लगभग 10 करोड़ रुपये है। विधानसभा अध्यक्ष प्रजापति ने कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश मुखिया कमलनाथ ने जो कर्ज माफी का वचन किसानों को दिया था वह पूरा किया जा रहा है। किसानों की पीड़ा को सरकार ने समझा है और उन्हें इस संकट से निकालने की पहल मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा की गई। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद उन्होंने अपना वचन वर्तमान चुनौतियों के बाद भी निभाया है। योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की गई है। जिले से किसानों की ऋण माफी के दूसरे चरण की शुरुआत गाडरवारा से हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कृषि आधारित इस प्रदेश में अन्नदाताओं की स्थिति बेहतर हो, यह मंशा प्रदेश सरकार के मुखिया श्री कमलनाथ की है। किसानों को सशक्त करना उनकी जिम्मेदारी है। तो बड़ी अपडेट है दोस्तों, बता दें आपको, खबर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो करेली के 1594 किसानों को 12.20 करोड़ रुपये की राशि हुई है स्थानांतरित है। तो 1594 किसानों के खातों में 12.20 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश शासन की कल्याणकारी जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में बुधवार को करेली के पुरानी गला मंडी प्रांगण में विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति के मुख्य अतिथि एवं सुरेश पंचौरी पूर्व केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में किसानों को किसान सम्मान पत्र तथा फसल ऋण माफी पत्र के वितरण का आयोजन किया गया। तो बड़ी खबर दोस्तों। तो साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि आप कैसे अपने मोबाइल पर किसान फसल ऋण माफी योजना की लिस्ट की सूची चेक कर सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बता दें कि कृषि संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु टोल फ्री नंबर जारी कर दिए गए हैं, जो कि नोट कीजिए 1800-181-1551। इन पर आप कॉल करके
अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो आपको हम वेब पोर्टल दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, ये वेब पोर्टल है, इस पर आप किसान कर्ज माफी योजना की लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में एमपी कृषि सर्च करना है गूगल में, या फिर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ये पेज ओपन होगा, ये वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट के अंदर आप, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कृषि संबंधित जानकारी, जय किसान फसल ऋण माफी योजना, तो ये आपको सामने दिखाई देगा। तो इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की सूची दिखाई देगा, जिसके नीचे प्रत्येक जिला जैसे श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, आप जिस जिले से हैं उस जिले पर आप क्लिक कीजिएगा। मान लीजिए आप शिवपुरी के हैं, तो आप शिवपुरी पर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी, जिसमें आप अपना नाम देख सकते हैं कि आप कर्ज माफी की लिस्ट में हैं या नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से आप कर्ज माफी की डिटेल जान सकते हैं। तो बता दें आपको, ये खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा और आपके लिए बेहतरीन खबरें लेकर आता रहेगा डेली न्यूज़ अलर्ट। खबर विस्तार से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसे ही कोई अपडेट मिलती है तो आपके सामने पेश करते हैं।